ये है गली सामने और इस गली में भीड़ तो एज यूजुअल जैसी रहती है वैसी ही है। तेरे को छोले भटूरे कह के ऊपर उठाए हुए हैं लोगों ने। चलो हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा देखते हैं, बट चलिए अंदर तो चलते हैं कम से कम। लोग देख रहे हो कैसे ला रहे हैं छोले भटूरे। हेलो भाई, लाइन लगानी पड़ रही है जैसे मंदिर में दर्शन के लिए लगाते हैं ना। यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, बैठने को जगह नहीं मिल रही। पूरे इंडिया में फेमस है पराठे वाली गली और यहाँ हमें बैठने को जगह नहीं मिल रही। बताओ भाई, लाइन में वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट बाद हमारा नंबर आएगा, तब तक लाइन में खड़े हैं। और वो बावे तो रिमान सुगुम हो गए, मैंने फ़ोन किया है भाई यहाँ नंबर आ रहा है 5 मिनट बाद, ट्राई करेंगे। ये पंडित गया प्रसाद शिवचरण करके इनकी शॉप है और ये पराठे की वैरायटीज है यहाँ पे। अभी देखते हैं कौन सा खाएंगे, पहले नंबर तो आए। भाई हमने लस्सी मंगाई है और एक पनीर पराठा और एक आलू पराठा। इसमें प्लेट में आलू की सब्जी मिलती है, ये चटनी है, सैलड है, ये ग्रीन चटनी, ये शायद वो क्या बोलते हैं कद्दू पेठे पेठे की सब्जी है और ये एक सब्जी और है, ये हमें पता नहीं क्या है। और लस्सी मंगाई हमने भी, पराठे का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर हमारा आधे घंटे बाद आया, पराठा कितनी देर बाद आएगा वो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं पराठा कैसा है। और मैंने एक और भावेश को लग रहा है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशंस मैच होंगी नहीं हमारी, बट देखते हैं। मैंने अभी लस्सी टेस्ट करी है, मुझे इतना टेस्ट आया और उनकी थाली भी कुछ टेस्ट होगा बट प्रीमियमनेस नहीं दिख रही है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मतलब देखते हैं पराठे का टेस्ट कैसा। और भाई आलू पराठा तो आ गया है, चेक करते हैं कैसा है। ये मान चुका है, ओ भाई हद गर्म है। फीलिंग्स तो ठीक है, अब टेस्ट करके बताते हैं। और ये तवे में नहीं सेकते, फ्राई करते हैं इनको। ये ठीक ठाक है, जितना हाइप है मतलब उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, बाकी और पूरा टेस्ट करके पनीर वाला भी बताता हूँ। पनीर
ये पनीर वाला है, पनीर की भी लिंक्स तो ठीक है इसमें, फेस दो है ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा पनीर खा रहे हैं, मतलब पराठे भाई पराठे वाली गली से बाहर आके ऐसी रात सी फील हो रही है। और यार मतलब हमें तो इतने अच्छे लगे हैं नहीं, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हाइप है, और सही में ही अच्छे नहीं है जितनी हाइप है। और कोई आए तो यार मतलब अपना कैश लेके आना, यहाँ पे फ़ोन पे वगैरह कुछ भी नहीं लेते, तो मतलब कैश मस्ट रिकमेंडेड है वरना अटक से जाओगे। चलो चलते हैं घर अब, और तो क्या ही करें यहाँ पे। बाकी हद बकवास पराठे थे भाई, क्यों इतना हाइप बनाया हुआ है मेरे को नहीं पता। हिमान सर भाई कभी मन ना आइयो, भाई मेरे को बोल रहा है कहाँ फंसा दिया मेरे को, मैं नहीं खा रहा है। यार सच में ही अच्छे नहीं थे यार, मतलब पता नहीं हम गए उसी और भाई कितना 500, हमने दो प्लेट पराठे लिए थे 540 520 रुपए का बिल था, दो प्लेट पराठे और तीन लस्सी, एक आलू का पराठा था एक पनीर का पराठा। लस्सी तो नहीं भाई यार। यार सच में ही अच्छा नहीं था, इसीलिए हम इतनी बुराई कर रहे हैं दोस्तों। चलो ठीक है, ये वाले ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, आप लोगों से मिलेंगे अगले ब्लॉग में। हिमांशु बाय कर दो हमारे दोस्तों को।